सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। शलके दर्घ शिववाच धृभेदं भक्तसुलभे सर्वकार्यविदायने कलहे कार्यदिभ्यदमुपायं रोहियत्नुतः दिभ्यो वाच कृणो देवामवक्षामि कला सर्वे सदाधनम् मया त्वमेव स्नेहेन ब्रह्मा सुधिः प्रकाश्यते। ॐ अस्य श्री दुर्गा सप्तशुलाके सप्तमन्त्रस्य नारायणऋषेः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहाकाले महालक्ष्मी महासरस्वत्या देवता श्री दुर्गा जयदम् सप्तशुलाके दुर्गा पाठे विनियोगः। विजयदासे देवी भगवते भलादाकृष्यमोहाय महामाया व्ययश्चले दुर्गे स्मृता हरजये नमजे जयन्तः स्वस्थे स्मृता पतिमते वजुमां प्रदासे दारिद्र्यदुःखव्यहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा सुचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरे नारायणे नमोऽस्तुते शरणागतधेनादवरिष्ठानपरायणे सर्वस्यास्ति हरे देवे नारायणे नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वे जय सर्वशक्ति समन्विते वयव्यस्राहिणा देवे दुर्गे देवे नमोऽस्तुते रोगानशेषानपहांसदष्टा हृष्ट्वा तु कामान् सकलानविष्टान् त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रितायाशयतां भयान्ति सर्वाबाधा प्रजमनं देवघ्रजग्रेशरी एवमेव त्वया कायम् अस्मद्वैरिविनाशनम् ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गा स्तोत्र शतनाम स्तोत्र ईश्वरवाच शतनाम प्रवक्षामि धनुश्वाकमलानने यत्प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत्सति ीदा भवानि भवमाजने आर्या दुर्गाजयाचार्यधारिणे पिनाकधारणे जिता जण्डघण्टा महान्तमा मनोबुद्ध्यहङ्गारचित्तलोपाजिराजिनेः सर्वमन्त्रामयि सत्या सत्यानन्दसरोविने अनन्ता भाविनि भाव्याभ्या सदा गतिः शम्भवे देव माता च चिन्ता रत्नविया सदा सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञविनाशने अपर्णाने कवर्णा च बाटला बाटलाभदे पटाम्बरे स्वानाकरमध्ये नरञ्जने अभे अविक्रमाग्रा सन्दरे सरसन्दरे
वनदुर्गाज मातंग मतंग मुनिपूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चंद्र कौमारी वैष्णवीतसा चामुंडा जयवाराये लक्ष्मीजागृहे विपुलोदगजनी ज्ञानक्रिया नित्याजमुद्दिता बहुला बहुल प्रेम सर्ववाहन वाहना विशुंगशुंगहनने महिषासुरमर्दने मधुकेतवहन्तेज चण्डमण्डविनाशने सर्वासुरविनाशाय सर्वदानवगादिने सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेकसहस्राय अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारीजगकन्या जगजरेयवदीयते अप्रौढाज प्रौढाज वृद्धमाता वरप्रदा मोदरे मुक्तरे ज्येष्ठोररूपा महाबला अग्निज्वालारुद्रमुखे कालरात्रे समस्वने नारायणे वज्रकाले विष्णुमायायलोदरे शिवज्योतिकराले च अनन्ता परमेश्वरे कात्यायने तथायते प्रत्यक्षाब्रह्मवादने जाटिलं प्रपटे नित्यं दुर्गानामजदातकम् नासाध्यं विद्यते देहि त्रिलोकेषु पार्वते धनं धान्यं सुतं जायामयं हस्तिनमे भज चतुर्भर्गं राजान्ते लभे मुक्तेञ्च साधने कुमारे पूजयुक्ता ध्यात्वा देवीं सुरेजरे पूजयत्या पठे नामजदातकम् तत्सद्देव वेदेवे सर्वे सर्वरे नवे राजानोत्वाजदाञ्जाने राज्याजयमवाप्नुयात् गोरोगजारत्कृतरङ्गमेन सुन्दरकर्मरमधुत्रयेण विलक्षयन्त्रं विजिनामिदृश्यं गृहे सदाधारयते पुरारिः भूमाराजामग्रे चन्द्रे सद्विषाङ्गरे विलक्ष्य भवदे सत्रं सहबले संवदाम् प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा शोरशोचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर माँ भगवती की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती की स्तुति करते हैं। आरती के इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है धन लाभ होते ही उनका यश उनका मान उनकी कीर्ति बढ़ती है वह आरोग्यता को प्राप्त होते ही दीर्घायु को प्राप्त होते ही उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजन्य माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणत भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें आपके मनोकामना को आपके मनोरथ को पूर्ण करें। ये आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में ये की हुई भगवती की आराधना अर्चना पुण्य कर्म माँ भगवती की आराधना ये जप पाठ जो है इसका अनंत गुणफल होता है। जो ही भक्तजन भक्तिपूर्वक माँ भगवती की शरणागत होकर के माँ से प्रार्थना करते ही माँ की कृपा से
माँ के आशीर्वाद से उन भक्तों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। तो आप सभी अपना ध्यान माँ के चरणों ले जाइए और भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना कीजिए, इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अथ देव्यः कवच ॐ अक्षजे कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः कर्णश्चमशङ्गः चामुण्डा देवता अङ्घना दक्षमादरवीणाम् दिनभङ्गदेवतास्तत्त्वम् श्रीजगदम्भावेत्कर्णे सप्तशते माठाङ्गत्येन जनेभिनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्गण्डे उवाच ॐ हृदयं ब्रह्मलोके सर्वलज्जागरं नृणां जन्मलज्जा च राघवं तन्मे वहि पितामहः ब्रह्म उवाच अस्तुभयतमहं विप्रा सर्वभूतापकारकम् ్రహ్మణ్యాచారణే ఉత్తానామాని బ్రహ్మదేవాహాత్మ అగ్నిలాధయమానస్తమగ్రే గదారణే విషమే దుర్గమే జైవ వ్యాసరణం గదాయేజవ్రణ సంకటే నాపశ్యాకలౌకాయమ్మహే జ్యేష్ఠవ్యాధానాయే ేష్ందాజాముండాయమాసనాడా గోమాహన లక్ష్మీ పద్మాసనా దేవీ పద్మహస్తరి ప్రియా క్షేత్రోపరాదేవీశ్వరీవాహన బ్రాహ్మీ అంతమారుడా సర్వాభరణ భోజిరా ఇష్టమాతరా సర్వయోగ సమన్వితా నానాభరణ శోభా నానారత్నవశావిత దృశ్యమారుడా దివ్యా క్రోధ సమాకులా శంఖచక్రం కదాంజయేహనం జాముసలాయదం జ్యేష్ఠకం సోమరం దేవాజం వాచమే భజ మహాగౌరపరాక్రమే మహాఫలే మహోత్సాహే మహాభయ వినాశనే రాజ్యమండాజవాహన శంకరేజోర్మధ్యోతారవాసి మహామాయాజమంగళా గ్రీవాయా పత్రకాళే వైష్ణవంశే ధనాధరే
ओम
चंडिकाय मारकंडे उवाच चंडे मंगलाकाले भद्रकाले कमालिने दुर्गा चमाशवादाते सहस्रदा नमस्ते जय तुम्बे विजामंडे जय भूता दिहारिने जय सर्वगते देवि कालरात्रे नमस्ते मधुकेतव विद्यादे वेदाते वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि ध्वजो देहि ध्वजो देहि महिषासुरनिर्वाजे भक्तानां सकृते नमः रूपं देहि जयं देहि ध्वजो देहि ध्वजो देहि रक्तबीजावले देहि चण्डमण्डविनाशिने रूपं देहि जयं देहि ध्वजो देहि ध्वजो देहि शुम्भस्यवने शुम्भस्याधुनायसमर्दने रूपं देहि जयं देहि ध्वजो देहि ध्वजो देहि वर्तिताग्रिमे देवि सर्वलोकाख्यदायिने रूपं देहि जयं देहि ध्वजो देहि ध्वजो देहि अचिष्टलोभजनिते सर्वयक्तो विनाशने रूपं देहि जयं देहि ध्वजो देहि ध्वजो देहि नदेभ्यः सर्वकामज्ञा चण्डिके दलितामहे रूपं देहि जयं देहि ध्वजो देहि ध्वजो देहि स्वध्वभक्तिमामाता चण्डिके व्यादिनाशने रूपं देहि जयं देहि ध्वजो देहि ध्वजो देहि चण्डिके सततसंजेता मध्ययन्तिहवत्पिता रूपं देहि जयं देहि ध्वजो देहि ध्वजो देहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि ध्वजो देहि ध्वजो देहि विदेहि साम्राज्यं विदेहि परमच्युतैः रूपं देहि जयं देहि ध्वजो देहि ध्वजो देहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमाश्रयं रूपं देहि जयं देहि ध्वजो देहि ध्वजो देहि सुरासुरारत्नानैर्विद्याजयनम्बिके रूपं देहि जयं देहि ध्वजो देहि ध्वजो देहि विद्यावन्दाय सर्वन्दं लक्ष्मीवन्दायनम्बरं रूपं देहि जयं देहि ध्वजो देहि ध्वजो देहि प्रचण्डदैत्यदर्वज्मे दण्डिके वरदाय मे रूपं देहि जयं देहि ध्वजो देहि ध्वजो देहि चतुर्भुजे चतुर्वत्तसन्दरे परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि ध्वजो देहि ध्वजो देहि कृष्णे नादं सुते देवि स्वर्गभक्त्या ददाम्बिके रूपं देहि जयं देहि ध्वजो देहि ध्वजो देहि हिमाचलसुरानादसन्दरे परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि ध्वजो देहि ध्वजो देहि इन्द्राणि मधुसर्वाभोजिने परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि ध्वजो देहि ध्वजो देहि देवि प्रचण्डदर्दण्डदर्गाविनाशने रूपं देहि जयं देहि ध्वजो देहि ध्वजो देहि देवि भक्तजनादामदत्तानन्दालयम्बिके रूपं देहि जयं देहि ध्वजो देहि ध्वजो देहि परमेमलानमां देहि मनोवृत्तानधारणे स्वर्णं सर्गसंसारसागरस्य गलोद्भवाम् विषं सोदमहेद्वादो महासोद्धं मदे नरः स्वर्गो सप्तसुषीदज्ञाभर्मापणोत् संवदाम् अथ कीलक ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवर्षिः हरिश्चन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा वेद्यम् सप्तदेवाधाङ्गत्वेन शते विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै महर्षिगण्डे उवाच ॐ शब्दज्ञानदेहाय दिवे देदिव्यजे श्रीरामरातनमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेदक्षिहानीयामन्दानामगेलगान् स्वभिजयमनुभाव्यादिसुरधाव्याप्यदत्तरः शुद्धण्डजाननादीनि वर्तने सकलान्यपि एतेन सुधां देवि सोत्तमार्थेन सिध्यति नामन्दो नोचलं दत्तानागेन्द्रेणमि विद्यते विनायापेन सिद्धेन सर्वमर्चादिनादिकम् स
I'm
शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकाल तो लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो। हर भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। प्रबंधु भक्तजन साधक जन, माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, माँ भगवती की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए इस माँ जगजन्य के दरबार में आकर के भक्ति भाव से करवत माँ से प्रार्थना करते हैं। अपने कल्याण के लिए, परिवार के सुख समृद्धि के लिए कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। क्योंकि भगवती जब प्रसन्न होती है तो जगत का कल्याण होता है, जगत में सुख शांति सुख समृद्धि होती है, सर्वत्र मंगल मंगल होता है। और जब जब कुविध हो जाती है, रुष्ट हो जाती है, तो न जाने कितने ही कुलों का सर्वनाश कर डालती है। इसलिए भक्तजन माँ को प्रसन्न करने के लिए, माँ को रिझाने के लिए माँ के दरबार में आकर के भक्ति भाव से करवत माँ से प्रार्थना करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। हे माँ, आपकी पूजा में, आपकी आराधना में, आपकी अर्चना में किसी प्रकार से भी हमसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, किसी प्रकार से कोई जीवन में जानने अनजाने में हमसे कोई अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, तो माँ भगवती हम भक्तों को क्षमा करना और हम भक्तों का मार्गदर्शन करना। हम पर सदा सर्वदा अपनी दया दृष्टि में रखना, अपने चरणों की अविचल भक्ति प्रदान करना। हे देवी, हे माँ वैष्णवी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से बार बार नमस्कार बोलो। सच्चे दरबार की जय। जिस समय
समुद्र मंथन हुआ था, उस समय मंथन करते समय सबसे पहले कालकूट विष निकला था और जिससे तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई कि सभी जीव जो हैं अब जो है इतने भयभीत हो गए कि अर्थात अब जो है वह जीव जो मृत्यु को प्राप्त होने लगे। उस समय कहते हैं कि जबकि प्रजापति गणों को जो है ये आज्ञा थी कि जीव रक्षा करना, परंतु समर्थ होता है वही दूसरों की रक्षा कर सकता है, जो स्वयं समर्थ नहीं होता वह दूसरों की रक्षा, वह स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता तो दूसरों की रक्षा क्या करेगा। तो कहते कि उस समय समस्त देवगण जो है भगवान शिव के पास गए, प्रार्थना की महाराज कुछ कीजिए, रक्षा कीजिए, और तीनों लोग जो है यही भयभीत हैं, कष्ट में है, संकट में है, और इस विपत्ति काल में जो है कहते कि उस समय भगवान शिव ने माँ भगवती पार्वती से कहा कि देवी पार्वती कि जीव मात्र पर जो है दया करना, दूसरों की रक्षा करना, इसी से वह सर्वात्मा जो है जो सबके अंदर विराजमान है, वह सर्वात्मा जो है वह परमपिता परमात्मा उसकी प्रसन्नता प्राप्त होती है, प्रसन्न होता है, और वह प्रसन्न हो जाए तो सर्वत्र जो है आनंद ही आनंद होता है, मंगल ही मंगल होता है। इसलिए धर्म वास्तव में जो है यही वास्तव में धर्म है। को धर्मा, धर्म क्या है? भूत दया, प्राणी मात्र पर दया करना। कभी ऐसा नहीं कि इस प्रकार शक्तिशाली है तो दूसरों को जो है मारना पीटना शुरू कर दे, दुख देना शुरू कर दे, क्योंकि दुख देने से, दूसरों का बुरा करने से कभी अपना भला नहीं हो सकता। अपना भला तभी होगा जब आपके हृदय में दूसरों के प्रति जो है भलाई है, और इस प्रकार से जो है दूसरों का भला करते हैं, दया का भाव रखते हैं, तो आपका अपने आप कल्याण होगा, आपका कहीं भी बुरा हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से उस समय भगवान शिव ने जो है भगवान का नाम लेते हुए उस हला कल को जो है विष को जो है उसका पान कर लिया, अपने कंठ में गले में धारण किया, ना नीचे उतरने दिया ना बाहर आने दिया, जिससे भगवान शिव जो थे नीलकंठ कहलाए, उनका कंठ जो था नीला पड़ गया। बोलो सच्चे दरबार की जय। ऐसे भगवान जो शिव जो है जो शक्ति के उपासक है, इन्होंने ही माँ भगवती आदि शक्ति की उपासना कर करके समस्त शक्तियों को प्राप्त किया था। ये शक्ति जो है अणिमा महिमा लज्मा प्राप्ति प्राकम्य ईश्वत्व वश्यत आदि ये आठ प्रकार की ये शक्ति जो बताई गई है। ब्रह्म विवर्त पुराण में जो है ये शक्ति जो है ये 18 प्रकार की बताई गई है, और इन शक्तियों को देने की शक्ति इसी भगवती में है। ये सब शक्ति इसी के पास ही, और भगवान शिव ने इसी की आराधना कर करके जो है ये शक्ति प्राप्त की। जब शक्ति संपन्न हो गए थे तो उनका आधा शरीर जो था शक्ति का हो गया, नारी का हो गया, जिससे भगवान शिव जो थे संसार में अर्ध नारीश्वर कहलाए। ऐसे भगवान शिव जिनका परिवार आप देखते हैं कि भगवान गणेश जी गजमुख, कार्तिकेय हैं षडानन इस प्रकार से, और दोनों का जो है गणेश का वाहन चूहा है, ऐसा परिवार है, और उधर कार्तिक का जो है वाहन जो है मयूर है, माँ भगवती जगदम्बा का वाहन सिंह है शेर है, और उधर भगवान शिव का वाहन नंदी बैल है, और परस्पर एक दूसरे के विरोधी है। इधर भगवान शिव के गले में सांप है, और उधर जो है कार्तिक जो है उनका जो पुत्र जो है उनका वाहन मयूर है, परस्पर विरोधी ही, और परस्पर विरोधी होते हुए भी जो है परिवार में सुख शांति है, कोई किससे द्वेष नहीं करता। तो इसलिए भगवान शिव ने जो अपने परिवार से शिक्षा दी है कि कभी किसी के साथ बैर मत कीजिए, कभी जो है किसी के साथ राग जो है इस प्रकार से कभी भी जो है ये शत्रुता ना करें, जीव विनाश का कारण होता है। तो ये क्या है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो है इन पर जो है विजय प्राप्त करना वास्तव सच्ची विजय जय ही। ज्ञान तो केवल ज्ञान से बात नहीं बनती,
ज्ञान सभी को है कि काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, ये सब जो है ये दुखी देने वाले हैं, इनसे सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो इनका त्याग से, इनके त्याग से सुख की प्राप्ति होती है। भगवान शिव कहते हैं कि धीरे धीरे जो है अभ्यास करें, अभ्यास करें। और दुर्गा सरस्वती अभी आपने जो पाठ किए हैं, इसमें अर्गला स्तोत्र में श्लोक आता है, विद्यावंतम जसवंतम लक्ष्मीवंतम जन्म करो, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि विद्यावंतम। माँ से प्रार्थना की, माँ आप हमें विद्वान ज्ञान दीजिए, विद्यावंतम जसवंतम लक्ष्मीवंतम, हमें यश दीजिए, हमें लक्ष्मीवान बनाइए, विद्यावान बनाइए, ज्ञानवान बनाइए, रूप दो, जय दो, यश दो, और काम क्रोध शत्रु का नाश करो। तो काम क्रोध शत्रु का नाश जो है, यदि भगवान शिव ने भी जो है इन पर विजय प्राप्त की है, तो इस देवी की कृपा से। तो जो ही इस देवी की आराधना करने से एकमात्र माँ की शरणागति ही, जो माँ के शरणागत हो जाते हैं इस देवी की कृपा से, माँ का आशीर्वाद से, उन भक्तों को सद्बुद्धि सद्ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जिन्हें इस देवी की कृपा से, माँ का आशीर्वाद से सद्बुद्धि सद्ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उनके जीवन कभी अमंगल नहीं होता, उनके सब कार्य सिद्ध होते हैं, और वह जो भी चिंतन करते हैं माँ की कृपा से, वह उनकी मनोवलाषित कामना जो है वह सब पूर्ण होती है, और सर्वत्र जो है वह परम कल्याण को प्राप्त होती है। इसलिए कोरे ज्ञान से जो है कुछ नहीं होता, उसे जो है आचरण में लाना आवश्यक है। आप ज्ञान प्राप्त कर लें परंतु अपने जीवन में ना उतारें। गीता का प्रतिदिन आप पाठ करें परंतु गीता में भगवान ने कहा क्या है, जी जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं कहें तो गीता का पाठ किए बिना तो जल में नहीं पीते, परंतु पहले श्लोक के लिए वो कहें कि उसका अर्थ क्या है, उसमें भगवान ने कहा क्या है तो पता नहीं। इसलिए भगवान ने जो उपदेश दिया है, जहाँ कहीं सत्संग में बैठते हैं वहां से जो ज्ञान की बातें मिलती है, उपदेश मिलता है, उसको अपने जीवन में उतारें। किस प्रकार भगवान की भक्ति करनी है, भगवती की आराधना करनी है, मंत्र जप करना है, उसके नाम का जप करना है, एकमात्र नाम जप से ही बेड़ा पार हो जाता है। जो उसके शरणक धोकर के, जो भी जिसका इष्ट देव है, आपने उस इष्ट के नाम का वह जप करें, उससे अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। अंतःकरण जो आपके जो है हृदयेश्वर जो बैठा हुए है वह प्रसन्न होते ही, हृदयेश्वर प्रसन्न हो जाएगा तो फिर तो किसी चीज की कमी रहती ही नहीं। तो नाम जब से ही ये हृदयेश्वर जो है ये प्रसन्न होते हैं, और इस तरह से इसी को प्रसन्न करने से ही काम क्रोध लोभ आदि जो है इन शत्रु पर जो है विजय प्राप्त होती है। इतना जान लेना, जो काम क्रोध लोभ है इससे जो है कष्ट होते हैं, दुख आते हैं, तो इतना जान लेने मात्र से ही जो है ये काम नहीं बनता, परंतु जो है इसका अपने जीवन में इस प्रकार से इनका परित्याग करना है, ऐसा अचन करने का त्याग करना, धीरे धीरे जो है भगवान की साधना करते हुए, तो अपने आप जो है आप विजय प्राप्त करेंगे और आपका जीवन जो है सदा सर्वदा सुखी बना रहेगा। कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा पाप क्या है, भगवान शिव ने जब बताते हुए कहा है कि देवी पार्वती के पूछने पर ही ये कहते हैं कि सबसे बड़ा पाप क्या है और सबसे बड़ा जो है धर्म क्या है। तो नीति धर्मोपदेश जो है ये प्रधान उन्होंने किए हैं, जो बड़ा ही उपयोगी और जो है परम हित कर जो है हित करने वाला ही। इसलिए भगवान शंकर के बताते हैं कि सबसे बड़ा धर्म जो है वह सत्य है। सत्य का पालन कीजिए, कभी झूठ मत कीजिए, मत बोलिए, कभी निंदा चुगली मत कीजिए, सत्य पर चलिए तो आपका सर्वत्र कल्याण होगा। और जो है सबसे बड़ा पाप है असत्य, सबसे बड़ा धर्म क्या है सत्य, और सबसे बड़ा पाप क्या है असत्य, झूठ बोलना। आप प्रायः देखिए कि अपने सुख के लिए व्यक्ति क्या करता है, झूठ बोलता है। और जो है इस प्रकार से अपने सुख के लिए जब झूठ बोलते हैं तो सुख कहाँ, भले ही कुछ समय के लिए आपको सुख मिल जाएगा दूसरों का बुरा करने से, परंतु इसका परिणाम जो है ये बड़ा भयंकर होता है। इस संसार में आकर जब जीव जो है वह कष्ट भोगते हैं। कहते हैं कि अवश्य में कृतम कर्म कि व्यक्ति को जो है अपने कर्मों का फल जो है यहीं पर भोगना पड़ता है, चाहे वह शुभ कर्म ही चाहे अशुभ कर्म ही। तो इसलिए जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं उन कर्मों के अनुसार ही हमें जहाँ पर जन्म भी मिलता है,
और जो सुख दुख जो है उन्हीं कर्मों का फल होता है। अच्छे कर्म किए हैं तो जीवन सुख बना रहेगा, बुरे कर्म किए हैं तो इस प्रकार से दुख ही दुख आएगा। तो इसलिए यदि व्यक्ति जो है सदमार्ग पर चलता हुआ, धर्म के मार्ग पर चलता हुआ धर्मानुकूल कर्म करता है तो जीवन कोई विपत्ति नहीं आएगी। जब विपत्ति आते, कष्ट आते, दुख आते हैं तो समय किसी दूसरे को दोष मत दीजिए, इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं दुख में फंस गया, जेल में पड़ गया, इसने ऐसा किया है, परंतु कभी जी ने कोई भी सोचता कि मैंने कर्म क्या किया है, मैंने किया आज सामने आपको देखते हैं कि कारागार जेल में जब डाले जाते हैं, बुरा कर्म करते हैं, पाप करते हैं, दूसरे का धन श्री लेते हैं, तो इस प्रकार से जब पकड़े जाते हैं तो जेल में डाले जाते हैं, फिर कहते हैं नहीं नहीं ये दूसरा व्यक्ति था, इसने मुझे फंसा दिया, नहीं तो मैं नहीं फंसता। तो इसलिए आपने देखे कि हमने किया क्या है। तो इसलिए जब जीवन में कष्ट है, दुख है, तो ये जानने कि हमारे जी बुरे कर्मों का, पाप कर्म का फल है, उसको भक्ति करो। भक्ति करने से, नाम जप करने से, भगवान की आराधना करने से, तो इस प्रकार से पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है, फिर जीवन सुखी हो जाता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो सत्य जो है यही धर्म है, असत्य यही पाप है। भगवान शिव कहते हैं कि नास्ति सत्य परो धर्मो नानिर्दात पातुकम परम। सत्य के समान कोई धर्म नहीं और जो असत्य के समान, जो है झूठ के समान कोई पाप नहीं। इसलिए हमेशा सत्य का आचरण जो है करना चाहिए, मन वाणी तथा कर्म से सदा जो है सत्य व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जो है इससे बड़ा दूसरा कोई धर्म नहीं है। असत्य का जो है ये आश्रय जो है, सत्य का आश्रय ही जो है ये लेने से जो है कई व्यक्ति का अमंगल नहीं होता है, और इस प्रकार से असत्य का आश्रय लेने से अमंगल होता है। तो सत्य का ही आचरण जो है करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने शुभ तथा अशुभ कर्म जो है जो जो है इसमें जो है सदा अपने आप को साक्षी माने, जो जानने के मैंने किया क्या है, अपने कर्मों को ही देखे, दूसरों को दोष ना दे इस प्रकार से, तथा क्रिया द्वारा कभी भी जो है पाप करने की इच्छा न करे। जे मनसा वाचा कर्मणा इससे भी पाप होते हैं, जे क्रिया द्वारा जो है आप जो है मन के बाणी के द्वारा भी, यदि आप मन ही मन किसी का दूसरे का बुरा सोच रहे हैं, घर में माता जी भोजन बना रही हैं तो उसे भोजन बनाते से भगवान का कीर्तन करना चाहिए, परंतु प्राय देखेंगे कि क्रोध में है, कहीं घर में झगड़ा हुआ है या पड़ोसी के साथ झगड़ा हुआ है तो भोजन ही बन रहा है और जो है दूसरे को गाली गलौज भी हो रहा है, मन ही मन जो है। तो मन के द्वारा ही पाप होते हैं, उसके जो दुखी मन से जो है जब दया माता जो भोजन बनाती हैं, उस भोजन को जो खाने वाले जो होते हैं वे भी दुखी हो जाते हैं, वे भी कष्ट में जाते हैं, उनके मन में विकृति आना शुरू हो जाती है। इसलिए अन्न की भी शुद्धि होनी चाहिए, मन की भी शुद्धि हो, मन भी पवित्र हो, अपने विचार पवित्र हो, आचरण पवित्र हो, इससे जीवन जो है वह पवित्र होता है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए जब आप भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए प्रातःकाल जो उठते हैं और स्नान करते हैं, जो जगाते हैं, माँ की प्रार्थना करते हैं, भोजन बनते हैं, माँ को भोग लगाते हैं, उस प्रसाद के उस प्रसाद को आप परिवार ग्रहण करते हैं, आप देखिए घर गृहस्थ में कैसे सुख होता है, कैसे शांति होती है, कभी क्लेश नहीं होगा, कभी कलन होगी, कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी क्रोध नहीं आएगा। तो ये खान पान पर भी जो है इसका प्रभाव होता है, कैसे हमें जीवन ग्रस्त जीवन जीना है इस संसार में आकर के, तो यही विधि जो है, यही जो है जिस शास्त्र बतलाया होता है कि शास्त्र भी कर्म करने से ही मनुष्य के जीवन में सुख शांति बनी रहती है, और इसके विरुद्ध कर्म करने से जो है अशांति होती है, कला होती है, क्लेश होता है। इसलिए तभी जो कहा है कि आप दूसरों को जो है माध्यम मत बनाइए कि इसने मेरा बुरा किया है, अपने कर्म देखिए, कहीं मुझसे कोई कोई भूल तो नहीं होगी, कोई किसी का मैंने बुरा तो नहीं कर दिया, कभी दिन में आपसे किसी का बुरा हो गया है तो सायंकाल को प्रायश्चित करते माँ से प्रार्थना करें, माँ इस प्रकार से मुझने क्रोध में आकर के अपने कर्मचारी को भला बुरा कह दिया है, उसको डांटा है, तो ये क्रोध मुझे क्यों आया, माँ मुझ पर कृपा कीजिए मैं क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकूं। क्रोध जो है ये कहते हैं एक क्षण का क्रोध, एक क्षण का काम जो है, एक क्षण का लोभ जो है अनर्थ कर देता है।
तो इसलिए इससे बचने के लिए प्रातः काल उठते जो है पहले स्नान होते हैं, फिर जो है भगवान की आराधना की जाती है, प्रार्थना की जाती है, आशीर्वाद लिए जाते हैं। तो जब आशीर्वाद मिल जाते हैं तो व्यक्ति जो है इन विषयों पर वह जो है विजय प्राप्त करता। बोलो सच्चे दरबार की जय। आत्म साक्षी भवे नित्यम आत्मनस्तु शुभ शुभे मनसा कर्मणा वाचा नाच कांक्षेत पातकम। इसलिए जो है अपनी आत्मा को साक्षी मानते हुए इस मनसा वाचा कर्म मन के द्वारा वाणी के द्वारा जे कर्म के द्वारा कभी कोई बुरा कर्म जो है जे ना करें इस प्रकार से, क्योंकि जीव जैसा कर्म करता है वैसे ही फल वह पाता है। वह अपने किए हुए का फल जो है वह स्वयं ही जब भोगता है, हमारा कोई भी उसे दूसरा कोई जो है उसको भोगने का अधिकारी नहीं होता है कि हमने जो पाप किए है इसका भोग दूसरा करेगा, ऐसा नहीं होता है। अपना किया कर्म जो उसका फल जो है सभी को ही भोगना पड़ता है। इसलिए जब भी कोई कर्म करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, उसके लिए विचार करें, विचार करें और फिर जिस कार्य को करें। इसलिए कहा है यादृशम कुरुते कर्म तादृशम फलम अश्नुते, स्वयं कृतस्य फलम भुंक्ते नान्यस्तद भोक्तृमर्हति। किस प्रकार से जादृशम कुरुते कर्म, जैसा कर्म करोगे तादृशम फलम अश्नुते, वैसा उसका फल जो आपको मिलेगा। इसलिए आपके कर्म का फल जो है वह दूसरा जो है नहीं भोगेगा। नास्ति तृष्णा समं दुःखम नास्ति त्याग समं सुखम सर्वं कामं परित्यज्य ब्रह्म भुजाय कल्पते। जो भगवान शिव जो है उपदेश देते हुए बतला रहे हैं कि नास्ति तृष्णा समं दुःखम, तृष्णा के समान कोई दुख नहीं है। तृष्णा जो है ऐसी है जी, इससे जो है हमेशा इसका जौन जो बना रहता है और जी दुखी दुख देती है। आपकी एक मनोकामना पूर्ण होगी, दूसरी तैयार हो जाएगी, वह पूरी होगी, तीसरी तैयार हो जाएगी, तृष्णा बढ़ती जाती है। और नास्ति त्याग समं सुखम, त्याग के समान कोई सुख नहीं। इसलिए जो संतोष करते हैं, संतोष रूपी धन जो जिन्हें प्राप्त होते हैं संसार में, वो ही सुखी रहते हैं। जो देवी की कृपा से, देव कृपा से जो प्राप्त होता है उसमें संतोष करें। सर्वण कामन परित्यज्य ब्रह्म भुजा कल्पते। इसलिए जो है अर्थ को जो है सभी अनर्थों का मूल बताते हैं भगवान जो है शिव, कह रहे हैं अर्थ धन को कहते हैं। तो अर्थ का जो है कहते हैं यही अनर्थ का मूल है, भगवान शिव कह रहे हैं, क्योंकि जो वैरागी हैं सबको देते हैं और स्वयं शमशान पर निवास करते हैं, सबको सुख देते हैं। तो जी इन्होंने बतलाया है कि अर्थ को जो है जी अनर्थ का मूल है, अर्थ को सभी अनर्थों का मूल बताते हुए भगवान शिव कह रहे हैं कि धन के उपार्जन में जो है दुख होता है। उपार्जित धन की जो है आप देखिए, धन भी कहा है कि एक मर्यादा में, मर्यादा में, क्योंकि धन से सुख की प्राप्ति होती है और धन से ही दुख प्राप्त होता है। धन से सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है और जय धन जो है जेल तक लेकर के जाता है। अति सर्वत्र वर्जित, अति जो है किस चीज की अति जो है वह ठीक नहीं। यदि अधिक भोजन आप कर लेंगे वह भी अजीर्ण हो जाएगा, आप जो कष्ट में आ जाएंगे। तो प्रत्येक वस्तु जो है एक मर्यादा में यदि आप उसमें उसका भोग करते हैं तो आपके जीवन दुख नहीं आएगा। यदि मर्यादा से बाहर जाओगे तो दुख में पड़ जाओगे। इसलिए आप धन जो है बहुत ज्यादा इकट्ठा कर लिया तो उसकी सुरक्षा के लिए परेशानी दुख, और यदि किसी ने छीन लिया तो दुख, कभी इनकम टैक्स वालों की रेड पड़ गई तो दुख, बड़ा प्रयत्न किया था, कितने मैंने शल कपट किए इकट्ठा किया, अब सारे का सारा चला गया तो दुख। जब भगवान शिव उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु जो है उसका मर्यादा में यदि भोग करते हैं तो सुख है, मर्यादा से बाहर जाओगे तो दुख है। तो मर्यादा में रहते हुए उस परमपिता परमात्मा के शरणक धोकर के, भगवत के शरणक धोकर के जो भक्तजन जो है इस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट, कभी दुख जो है वह नहीं आते। बोलो सच्चे दरबार की जय। बड़े ही भाग्यशाली ही जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में माँ के दरबार में आकर के इस तपस्थली पर बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। सत्संग जो सत्य क्या होते हैं, सत्य जो मैंने प्रारंभ बतलाया है, सत्य के ऊपर बात मैंने जो बतलाई है, सत्य क्या है, परमात्मा है, सत्य है भगवती, और जो है संग जो है उसका संग। तो जो सत्य माँ भगवती का संग करने का सौभाग्य और भक्तों को जो प्राप्त हुआ है, माँ के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, माँ का आशीर्वाद, माँ की भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये माँ के आप पर विशेष कृपा है जिसने आपको
घर से अपने दरबार में बुलाया, अपने चरणों में बिठाया, क्योंकि इसके बुलावे के बिना यहाँ पर कोई आ नहीं सकता, इसकी कृपा के बिना यहाँ पर कोई बैठ नहीं सकता। तो माँ का बुलावा हुआ, आप माँ के दरबार में आए, माँ के चरणों में बैठे, सत्संग करने का, माँ का संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। माँ इसी तरह से अपने चरणों से आपको जोड़े रखें और इसी प्रकार से माँ भगवती की भक्ति जो है, माँ के चरणों की भक्ति आपको प्राप्त हो और भगवती के आशीर्वाद से जो है आप सभी भक्तजन जो है परम कल्याण को प्राप्त हों। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए निवेदन कर रहा श्री विजय कुमार जी माँ के चरण भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्तों से कीर्तन सहयोग देना, सब मिलकर बोलना, ताली बजाते श्री विजय कुमार जी। जयकारा शेरा वाली दा सचे दरबार की जय, ओनू थोड़ कदी ना आवे जिने मादा लड़ फड़िया, ओनू थोड़ कदी ना आवे मादा लड़ फड़िया, ऊपर उठा कर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिर दीजिए। हाथ सभी ऊपर, माँ भगवती आप भक्तों के हाजिर स्वीकार करें, आपके झोलियाँ भरे, आपके मराधे पूरी करें, आपका जीवन खुशी से भर दे। निर्मल गंगा देव रज रज डुबिया लाल,
ਉਹ ਚਾਲੀ ਇਸ ਨਿਰਮਲ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਜ ਰੱਜ ਡੁੱਬੀਆਂ ਲਾ ਲੈ, ਨਿਰਮਲ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਜ ਰੱਜ ਡੁੱਬੀਆਂ ਲਾ ਲੈ, ਉਹ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਵਾਲੀ ਮੈਲ ਧੁਆ ਲੈ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਵਾਲੀ ਮੈਲ ਧੁਆ ਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਉਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਮਾਦਾ ਲੜ ਫੜਿਆ, ਲੜ ਫੜਿਆ ਪੂਰੀ ਆਸ ਉਹਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੜ ਫੜਿਆ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨ ਮਾਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਮਨ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਨ ਮਾਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਨ ਮਾਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਭਰੀ ਸਵਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਣੇ ਉਸਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ, ਭਰੀ ਸਵਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਣੇ ਉਸਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਪਾਗ ਜਗਾਵੇ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਮਾਦਾ ਲੜ ਫੜਿਆ, ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਪਾਗ ਜਗਾਵੇ ਜਿਹਨੇ ਮਾਦਾ ਲੜ ਫੜਿਆ, ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ, ਜੈਕਾਰਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਜੀ ਕਾ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ, ਮਈਆ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ ਹਮ ਪਾਲੇ, ਹੋ ਮਈਆ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਹਮ ਪਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਆ, ਪਿਆਰ ਮਿਲਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਭਰ ਕੇ, ਪਿਆਰ ਮਿਲਾ
तेरा जी भर के जाने को अब दिल ना फिर के जाने को अब दिल ना फिर के आंचल में सुख पाने तेरे आंचल में सुख पाने तेरे दरबार में आवे जो तेरे दरबार में आवे तेरी कृपा उस पे हो जावे तेरी कृपा उस पे हो जावे कृपा दृष्टि को पाने तेरी कृपा दृष्टि को पाने दरबार आ गए तेरी कृपा दृष्टि को पाने दरबार आ गए मैया प्यार तेरा तेरा हम पाने दरबार ओ तुझे दिल की बात सुनाने दरबार आ गए तुझे दिल की बात सुनाने दरबार आ गए द्वार तेरा माजब निराला द्वार तेरा माजब निराला प्रेम की सरिता बहाने वाला प्रेम की सरिता बहाने वाला सरिता में डुबकी लगाने सरिता में डुबकी लगाने दरबार आ गए लगाने दरबार आ गए मैया प्यार तेरा राम पारे दरबार आ गए करुणामयी सरकार तुम्ही हो करुणामयी सरकार तुम्ही हो भक्त की प्राणाधार तुम्ही हो भक्त की प्राणाधार तुम्ही हो नाम की महिमा गाने तेरे नाम की महिमा गाने दरबार आ गए तेरे नाम की महिमा गाने दरबार आ गए बोलो जय मा जय मा 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 यशपाल जी जय कर श्री रमणदान और सच्चे दरबार की जय हमें शरण में ले लो सताए हमें शरण में ले लो दुनिया के सताए हमें शरण में ले
सताए हमें शरण मिले लो मां दुनिया के सताए की मां
सताए दुनिया के सताए हैं दुनिया के सताए हैं जय कर श्री राम बोल सच्चे दरबार की जय जय आरोड़ सिद्धं से भ्रमत दक्षिणे दक्षिण चैत सूत्र वामे हस्त दिभ्यां भय कनकमयं पुस्तकं जानगम्य सभिनभादयन्ते स्वकर्तृजपे शास्त्रविज्ञानशब्दे क्रीडन्ति दिव्यरूपा करकमलधरा भारते सुप्रसन्ना सच्चे ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। आज का पंचांग विक्रमादित्य संवत 2075 उत्तरायण उत्तरगोल बसंत ऋतु चैत्र मास के आज 11 प्रविष्टि ही कृष्ण पक्ष आज चतुर्थी तिथि ही रविवार तदनुसार 24 मार्च सन 2019 के दिन प्रातः काल आरती के समय आप भक्तजनों को माँ भगवती की असीम कंपा से माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े ही भाग्यशाली ही पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में माँ के चरणों बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और ये श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भवे संतति भाने भवे श्रीमान शशि भवे प्रज्ञावान भवे भूर्भुवत करणे धाने कनिष्ठो भवे तेजस्वी भवे धैर्य दर्प दलने व्यापार दक्ष भवे श्री शंभर पाद पुण्यत सर्वोपकारी भवे मंत्रार्थ सफला संत पूर्ण संत मनोर्थ शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्रेणाम देशो शरीरवर्चस्व आयुष्यम आरोग्यमाविदात् शुभमानम् हीयते धनं धान्यं पशु बहुपुत्र लाभ सत्संवत्सर दीर्घमायु अस्तु दीर्घमायु। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें आपको सुख समृद्धि प्रदान करें धन धान्य से समृद्ध करें सब ओर से आपका मंगल करें आपकी यात्रा को सार्थक कर। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी आप सभी भक्त जन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे सब ओर से बोलना चालू हो जाते हैं। ओम जय अम्बे गौरे मैया जय श्यामा गौरे राजे राजे रात पुष्प जलमा
पूज्य पुजारी जी, मां विभूति की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गई हूँ। इस पवित्र गुफा का पूजन करके अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत मां विभूति की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब जनों के बीच में आएगी। शांतिपूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती वंदना करना और मां भगवती से अपने कल्याण के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोले सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलो जय माता दी, मल बोलो जय माता दी, तू बोलो जय माता दी, तन भी जाते जय माता दी, मां बोलो जय माता दी, जय माता दी, शक्ति दंत जय माता दी, शक्ति दंत जय माता दी, विद्या दंत जय माता दी, ज्ञान दंत जय माता दी, भला भरत जय माता दी, से मल बोलो भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़ करके मां से प्रार्थना करेंगे। संभल करके बोलना देही सौभाग्य आरोग्य, देही सौभाग्य आरोग्य, देही में परम सुखम, देही में परम सुखम, रूपम देही जयम देही, रूपम देही जयम देही, यशो देही दिशो जही, यशो देही दिशो जही। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः, 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 शान्तिः। पर बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुने और मन ही मन माँ भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं। आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। Thank you.
ಕಂ ಚಕ್ರೇಶು ಚಾಪಮೈಲಾಂಗೇಶನ ಸರ್ವಾಂಗಾಶಾಕಾಲಿಕೇ ಹರು ಕಮಲಜೋ ಅಂಗಂ ಮಧುಕೇಣವಂ ಪಾಪ್ಯೋ ಪಾಪ್ಯಂ ಹಸ್ಯೋ ಅರ್ಯಂ ಮುಹಿಯೋ ಅಯಂ
जोर से क्या बात है जोर से